दोस्तों डायनासोर वाली पिक्चरें हमें पुराने समय में लेके जाती है, या फिर यह मानिए कि पुराने समय के जीव जंतु अगर अभी के टाइम में आ गए तो हमारी दुनिया का हश्र क्या हो सकता है, ये आपको इन सारी मूवीज में देखने को मिलता है। तो आज की इस लिस्ट में हम कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से डायनासोर के ऊपर आधारित है। इस लिस्ट में हम उन मूवीज को नहीं ले रहे हैं जिनमें डायनासोर सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाए गए हैं, जैसे कि किंग कॉन्ग, बल्कि सिर्फ ऐसी मूवीज के बारे में बताएंगे जिसमें डायनासोर ही सेंट्रल कैरेक्टर है। और इन सारी मूवीज को आप हिंदी में देख सकते हैं इंटरनेट पे बड़ी आसानी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 सबसे बेहतरीन डायनासोर मूवीज। स्वागत है दोस्तों भेजा फ्रा इंडिया पे। नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद घंटा भी दबा दीजिए, उससे आपको सबसे पहले सारे वीडियोस पहुंच जाएंगे। नंबर 5, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। दोस्तों यह सबसे लेटेस्ट वाली एक डायनासोर मूवी है जिसके अंदर ग्राफिक्स इतना खतरनाक है कि आपके दिमाग के नसें फट जाएंगे। इस मूवी की IMDB में रेटिंग है 6/10 और रॉटन टमाटोज ने इसको दिया है 43%। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुछ साइंटिस्ट लैब में किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक बहुत ही खतरनाक जीव जाग उठता है। यह जीव कई हजारों सालों से सोया हुआ था। इस जीव को प्राचीन भाषाओं में गॉडजिला कहा जाता है। गॉडजिला भी डायनासोर की ही एक तरह की प्रजाति है। इस गॉडजिला का काम है पूरी दुनिया को नष्ट करना। इस मूवी में आपको 3 और अलग अलग खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोथरा जो कि एक बहुत ही विशालकाय तितली है, फिर देखने को मिलेगा रोडान जो कि एक उड़ने वाला डायनासोर है, फिर सबसे भयंकर किंग गिडोरा जो कि एक 3 सिर वाला डायनासोर है। तो मूवी में आपको देखने को मिलेगा इन सब में लड़ाई कैसे होती है और कौन जीतता है और इंसानों के ऊपर इसका क्या असर होता है। नंबर 4, गॉडजिला 1998। दोस्तों यह एक ऐसी मूवी है जिसमें पहली बार गॉडजिला को दिखाया गया था। यह विशालकाय रेप्टाइल कितना बड़ा होता है आपको इस मूवी में पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि किसी टापू पर एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान एक परमाणु बम विस्फोट किया जाता है। उस परमाणु बम में से निकले रेडिएशन की वजह से टापू पे मौजूद एक जीव अपने साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वो आता है शहर की तरफ और फिर क्या तबाही मचाता है ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों 1998 के हिसाब से इस मूवी के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं गावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मजा आएगा। नंबर 3, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। दोस्तों यह मूवी भी बहुत ही शानदार ग्राफिक्स वाली मूवी है। इतने शानदार ग्राफिक्स है कि कई बार तो समझ में नहीं आएगा कि ये सब असली है या फिर एनिमेशन द्वारा बनाया गया है। दोस्तों यह मूवी आई थी 2018 में और इसके अंदर हीरो हैं क्रिस प्रैट। इस मूवी की कहानी ऐसी है कि एक टापू पर बहुत ही भारी मात्रा में डायनासोर्स मौजूद हैं। ये सभी इंसानों द्वारा बनाए गए एक चिड़ियाघर के अंदर हैं। और जैसे हम लोग शेर देखने के लिए नेशनल पार्क में जाते हैं, वैसे ही इंसान छुट्टियां मनाने के लिए अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ इन डायनासोर्स को देखने जाते हैं। पर मुश्किल की बात यह है कि उस टापू पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी है जो कि फटने वाला है, और अगर वह ज्वालामुखी फट गया तो वो सारे डायनासोर्स भी उसके साथ नष्ट हो जाएंगे। तो एक स्पेशल टीम अपॉइंट की जाती है जिसका काम है डायनासोर्स को उस टापू से लेकर एक सुरक्षित जगह पर लेके जाना। पर इतने भारी भरकम मांसाहारी और विशालकाय जीव को संभालना इंसान के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 2, द लॉस्ट वर्ल्ड। 1997 में आई ये फिल्म जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा बनाई गई थी, जुरासिक पार्क सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इस मूवी के शुरुआत में ही ये दिखाया गया है कि एक अंग्रेज परिवार एक टापू पर छुट्टी मनाने के लिए जाता है और वहाँ पर उस छोटी सी बच्ची को कुछ छोटे छोटे जीव दिखते हैं जिनको वो प्यार से खाना देने लगती है और उसके बाद कुछ बहुत ही भयंकर होने लगता है। उस अंग्रेज परिवार को यह अंदाजा भी नहीं होता है कि जिस टापू पर वह छुट्टी मनाने गए हैं वह किसी जमाने में डायनासोर्स को रखने के काम आता था। फिर से एक स्पेशल साइंटिस्ट की टीम अपॉइंट की जाती है जो कि उस टापू पर जाते हैं रिसर्च करने की वहां पर कौन से डायनासोर मौजूद है। नंबर 1, जुरासिक पार्क।
यह मूवी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा बनाई गई फिल्मों में सबसे हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजी वालों को खुदाई के दौरान एक ऐसा मच्छर मिलता है जो कि हजारों सालों से एक पत्थर के अंदर गड़ा हुआ है, और उस मच्छर के अंदर मौजूद है एक डायनासोर का ब्लड सैंपल। खुराफाती साइंटिस्ट उस डायनासोर के ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाल कर एक पूरे टापू को डायनासोर से भर देते हैं, और इस चिड़ियाघर का नाम रखा जाता है जुरासिक पार्क, जो कि एक बहुत ही करोड़पति खरबपति आदमी जॉन हैमंड द्वारा बनाया गया है। जहां जॉन हैमंड भाई साहब को यह लगता है कि सब कुछ कंट्रोल और सेफ है, वहीं कुछ खुराफाती डायनासोर्स अपनी फितरत का दिखावा करने में पीछे नहीं हटते। मेरे हिसाब से दोस्तों, यह मूवी आज तक की सबसे बेहतरीन डायनासोर वाली मूवी है। सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के साथ साथ इस मूवी से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मेरा तो यह मानना है कि प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो बेहतर है इंसानों के लिए। तो यह थी दोस्तों आज की मूवी लिस्ट। अगली बार हम फिर से लौटेंगे किसी और टॉपिक के साथ आपको जानकारी देने के लिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटा दबा दीजिएगा।